पे है ओके तो आप एक चीज मुझे वापस करेंगे और सदफ क्या लेना है सबसे पहले मुझे चाहिए चिकन पैटी नहीं ऐसे नहीं अच्छा ऐसे नहीं राज बताएं एक राज बताऊं किसका बताना है शहरोज का राज अच्छा अच्छा शहरोज का राज ये है कि जो हमें ना पता हमें ना पता हो तो ये है राज अगर शहरोज गाड़ी चला रहा है और किसी ने बदतमीजी कर ली तो ये फिर क्या चढ़ जाता है उन पे नहीं नहीं मतलब भाई ये छोड़ेगा नहीं गुस्सा आ जाता है हां शहरोज सच्चा है भाई नहीं 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 कोई गलत हो तब हां कोई गाड़ी वहां से तो ये फौरन गुस्सा मैं कह रही हूं कोई गलत हो तब मतलब ऑफ कोर्स गलती होगा ना तो गुस्सा आएगा ना गुस्सा नहीं क्यों नहीं आता है आता है ये राज है बना बर्गर पोटेन बर्गर के लिए ये इतना स्पेशल नहीं है यार ये वैसे अक्सर लोगों को गाड़ी चलाते गुस्सा आता है कि जब आप अगर कोई अगला बंदा तंग कर रहा है ये चिकन पैटी अच्छा जब कोई तंग करे तो जाहिर है गुस्सा आता है यार आता होगा क्या करता है कि उतर के गिरे बांध मेरे बांध तो नहीं पकड़ता यार वो नहीं नहीं यार जब से एक्टर्स बन गए ना जब से तब से ये वाली चीजें जो एक होती ना बचपन में कभी बॉयज लाइन पड़े हो वो भी थोड़ा सा उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया ला जी शहरोज क्या चाहिए मुझे चाहिए चिकन पैटी चिकन पैटी चाहिए ले भाई ये कोई खाना हां ये खाना इज एडिबल इट्स वेरी गुड राज सदफ का कोई राज जो हमें नहीं मालूम राज सदफ का अभी मैं बताता हूँ बहुत कमाल क्या? सदफ को मॉडलिंग में शो स्टॉपर हायर किया जाए या ना किया जाए शो स्टॉपर सदफ ही करेंगे चाहे वो शो स्टॉप करने के लिए सदफ को कुछ भी करना पड़े असल में सदफ ठीक है अच्छा क्रीम चीज़ पे क्रीम चीज़ अब बिल्कुल लेकिन ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छा बताया बहुत अच्छा रहा है थैंक यू अब आप जाने और ये जाने सदफ ये क्या जब शोज होते थे अपेरेंटली अब तो कोरोना की वजह से नहीं हो रहे तो जब होते थे तो मैं जाती थी कि क्या कौन डिजाइनर कौन से कपड़े हैं कौन से अच्छे कपड़े हैं यू नो कौन से बेस्ट कपड़े डिजाइनर दो बनाता है एक स्टॉपर की और एक ओपनिंग की तो कौन सा वाला उन्होंने लेना मुझे ही होता है वैसे ही कह रही हूँ लेकिन कभी सेलिब्रिटीज भी होते ना हायर किए थे ये वो तो अलग जो भी समझे मैं सब समझ मैंने जो बात थी बता दी मैं सदफ के शो स्टॉपर जो भी हो कितनी बार सदफ ऐसे हुआ कि शो स्टॉपर बेचारी कोई और थी वो देखते रहे सदफ आगे चली गई सदफ ने वो कपड़े उठाए पहने और टाडा दिस इज ये तो होता स्ट्रांग प्यार करते हैं कुछ नहीं बोलते मैं गलत ही नहीं करती मैं डिजाइनर से बात करती हूँ ना और कपड़े पहन के नहीं थी शो स्टॉपर सॉरी सॉरी अब तो हो गया अच्छा अब तो पहले तो हो गया अब मेरी बारी आएगी दूसरी वाली वो तो चलो गुड नाइस थैंक यू सर ठीक है जी हेलपीनो चाहिए सदफ को तो ये किसका रह गया ये आपको मैंने कहा अच्छा भी रहता है सदफ के लिए सिर्फ एक चीज रह गई है यू हैव द चिकन पैटी यू गॉटन दी ऑलिव्स नहीं मिले ऑलिव्स नहीं मिले ऑलिव्स नहीं मिले मेरे पास ये भी है ऑलिव्स दो चीजें सदफ बताओ जी सीड्स वापस लेते हैं और सदफ राज बताएगी राज यस एक आ गया राज तो शहरोज के दोस्त नहीं है सिवाय एक इंसान के वो है नईम भाई शहरोज के बेस्ट फ्रेंड और शहरोज को कोई दोस्त नहीं है कोई दोस्त नहीं है ऐसा भी नहीं बोलो नहीं मतलब वो शहरोज की सबसे सलाम दो अच्छी गपशप होगी एक होता है जो बहुत क्लोज बड़ी होता है आपका वो जिसको जिंद जान कहते हैं वो एक है मेरे दो तीन हैं जो नो दो तीन मेरे इंडस्ट्री में है मेहरीन अनीला खोजी फौजिया ये मेरे यू नो फैमिली मैविश असफर ये प्रॉपर फैमिली सारे मेरे क्लोज दोस्त है शहरोज का सिर्फ एक ही है पर प्लीज अभी ऐसा मत समझिएगा कि मैं फ्रेंडली आदमी नहीं हूँ लिखना शुरू कर देंगे एक्चुअली ना शहरोज में मसला यही है देखो वो ये है वो नहीं, है नहीं, लेकिन ये एक बात बताऊं ये बड़ी एक अच्छी भी आदत है कि आप बहुत ज्यादा लोगों पर डिपेंड नहीं करते यू आर अ फैमिली पर्सन यू लव टू बी अराउंड योर फैमिली फर्स्ट और एक दो दोस्त हैं ये तो बड़ी एक अच्छी एक दोस्त ये अच्छा बाकी सबसे सलाम दो सलाम सही है वो बहुत क्लोज बड़ी होगा ना ये लो जी हेलपिनोज आ गए थैंक यू अब रह गया जी ऑलिव्स रह गए सदफ के लिए और 1000 आयरन सॉस रह गई है फॉर शहरोज ओके सो आई वांट 1000 आयरन सॉस प्लीज
और ये किसके हैं? ये भी शेरोज के, शेरोज बेचारे को बहुत राज बताने हैं। मेरे ही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सॉस है। You want the sauce and राज क्या है सदफ? Yeah, I want the thousand island sauce. सदफ का राज क्या है? राज क्या बताऊँ अब? बता दे यार, राज बता दे। Okay, wait. के सदफ, अच्छा सदफ का एक राज ये है कि ये अगर इसको गुस्सा तो कम चढ़ता है। और निकलता रहता है वो ब्लू मून, और जब इसको गुस्सा चढ़ता है तो ये एक अलग पर्सनैलिटी इसके अंदर से निकलती है जो जो हाँ जो ये फिर उर्दू नहीं बोलती ना अंग्रेजी बोलती है फिर ये हजारे जबान में बात करती जो इसकी असल जबान है। जी दोस्तों, सदफ की जबान है हजारा, जिसमें जब ये गुस्सा करती हैं और गालियां देती हैं तो वो हजारे में होता है। I deserve my ये सही है। अच्छा दूसरी सुबह नहीं इतनी इतनी समझ आती, कुछ भी बोल दी रही, कुछ समझ नहीं आएगी, आधी बातें बोल के। वो कहते हैं ना जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो आप अगर बायलिंगुअल हो तो आपकी तो जो मादरी जबान है वो निकलती है उसकी। उर्दू बोलते बोलते बोलती हूँ मैं, कितिया के मारा कसूर के। अच्छा यार ये कैरेक्टर हो सकता है सदफ, ड्रामे में ये बड़ा मजा है, कैरेक्टर हो सकता है। ओके गुड गुड गुड, सदफ इज अ तनोली पठान। ठीक, very nice, lovely. अब olives चाहिए सदफ को। जी। And this is the last thing that सदफ needs. Needs. और एक ऐसा राज सदफ जिसे मैं भी कह सकूं कि वाकई यार सदफ ने कोई राज बताया। अभी तो बस ऐसी चीजें बता रही है। अब मैंने मैं खुली किताब हूँ इसलिए। सदफ कोई ऐसी बात जो वाकई किसी को नहीं पता। तो शेरोज का कहीं से दांत खराब हो जाए और कहीं से कुछ मसला हो जाए, दांत निकल जाता है समटाइम्स, आपको निकालना पड़ता है क्योंकि वो चॉकलेट बहुत खा, मतलब ही इज वेरी ही हैज स्वीट स्वीट, ठीक है ठीक है, तो ये बहुत इसके मीठा खाने का उसको शौक है, तो कुछ ना कुछ मसला हो जाता है या निकालना पड़ता है या फिर डालना पड़ता है, तो ये सालों निकाल देता है। सालों में दांतों के बगैर रह सकता ये रह सकता है, कहता प्लीज मुझे टच मत करो, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना डेंटिस्ट के पास। Really? I can't. मैं दांत सारे सड़ जाए मुझे। और डेंटिस्ट इतना अच्छा है हमारा फैजान। हाँ फैजान। तो फैजान जो हमारा डेंटिस्ट है वो कहता है शेरोज आ जाए आ जाए आ जाए, और इतना डर लगता है शेरोज। अरे मतलब दांत की दर्द, दांत की दर्द जिसको हुई है उसको पता है, और वो आई थिंक मेरे दुश्मन को भी ना। हाँ बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा। You know it is called the second biggest pain in the world after the childbirth. Oh my god. कि जो इधर की ये दर्द है ये सबसे second biggest. अच्छा second. Oh. Yes. After childbirth. मेरे मेरे वो कहाँ? ये तो अल्लाह माँ के कदमों में जन्नत रखी। ये बात है। I think that's. शेरोज, हेलोपिनोज रह गए हैं जी? Yes, हेलोपिनोज चाहिए। तो चाहिए तो फिर कुछ बता दे। हाँ शेरोज, रात की बात है, शो पे आने से पहले शेरोज प्लीज अहसन खान बनो, सवाल पूछो। आई डिजर्व द विनिंग गिफ्ट हैम्पर एंड एवरीथिंग। शेरोज अहसन खान बनो, सवाल पूछो, अब मैं सही जवाब दे रही हूँ ना? yeah. कसम से। और सुबह आने से पहले गाड़ी में शेरोज एहसन खान बनो, मैंने कहा एहसन खान बनो, मैंने कहा अच्छा मैं भी कर रहा हूँ जी सदफ, तो ये बोले यार सदफ क्या बता, सदफ ने बोला बेचारी सदफ मुझे कह रही है एहसन खान बनो। लेकिन सदफ बेचारी क्या कर रहा है यार, वो जिस शो पे जाती कोई ना कोई उसकी बात पकड़ के लोग ऐसे क्रेजी कर देते हैं, इस बात को गलत रंग भी दे देते हैं।
अब ये दोनों आप खाएंगे, आप प्लीज चखे ये बर्गर, आपकी बेगम ने सही बनाया। बेगम के हाथ का जहर भी खाऊंगा। ओए 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 ओए, ये आप खाएं। अमेजिंग, वाह सर। अच्छा यार, सदा अच्छे खाने बनाती है वैसे? एक्चुअली यस, एंड यू हैव टू कम ओवर। यस, आप आ रहे हैं। अच्छा, एक तो शो पे आके, हां यू हैव टू कम ओवर। नहीं, आप आ रहे हैं वाकई, आप सीरियसली अभी मैं बनाऊंगी खाना। या एंड भाभी के साथ, एंड हर गोरमे बर्गर्स। या ये प्रॉपर, वो आपके लिए मील होगा। लेकिन फिर ज्यादा सारे बना के रखने हैं। अच्छा सर, आप चले अगले गेम की जाने पड़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है।